अस्सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज हम काफ़ी दिन बाद री हो रहे हैं आफ्टर द जर्नी ऑफ हज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबसे पहले मुबारक हो आपको थैंक यू सो मच और आप डेफिनेटली जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं हम चाहेंगे कि हम इन लर्निंग्स पे एक अलग एपिसोड करें क्योंकि बहुत कुछ है सना के पास बताने के लिए एंड वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड तो हम इस पे भी अलग इंशाल्लाह एपिसोड करेंगे कमिंग बैक टू द फॉर डे दैट वीलवेज डिस्कस्ड रिलेशनशिप कोचिंग इससे पहले यासर भाई के साथ कुछ मिथ्स थे जो मैंने डिस्कस किए थे वो थोड़े रॉ किस्म के मिथ्स थे क्योंकि मेरा वास्ता ज़्यादातर लड़कों से रहता है जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं या रिलेशनशिप में एंटर होने जा रहे हैं लेकिन आपके साथ जो मिथ्स मुझे डिस्कस करने हैं वो बड़े इंक्लूसिव किस्म के हैं क्योंकि वो खातन और मर्द हजरा दोनों के साथ सेम है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ पहले मिथ्स ठीक है कि हेप्पी एवर आफ्टर का जो मिथ है हाँ सही है जहाँ पे आके मूवी ख़त्म हो जाती है उसके बाद तो हमें नहीं दिखाया जाता ना क्या हो रहा है उसके बाद तो हमें पता है क्योंकि हम गुजर चुके हैं <laughs> क्या होता है तो गुज़र रहे हैं <laughs> गुजर रहे हैं <laughs> वो अलग का शुक्र है रफ पैच शुरू में गुजर चुका है अब थोड़ा मोटा रफ पैच रह गया है अब हम थोड़ा सा कंजूमिट हो गए अलग का शुक्र है लेकिन आ, हमारे जहन में हमेशा ये होता है कि यार कोई और ये मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी शादियाँ हुई हुई और वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि यार ये परफेक्ट रिलेशनशिप है या फिर इसके बाद ना हमें अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी तो ये मिथ आप किस तरह एड्रेस करती हैं खासतौर पे जब रिलेशनशिप कोचिंग में जाती हैं प्री मैरिटल कोचिंग कर रही होती हैं क्योंकि वहाँ अक्सर लड़के लड़कियाँ इस कॉन्सेप्ट से जा रहे होते हैं कि यार ये शादी हो जाएगी ना तो ज़िंदगी सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमें अपने रिलेशनशिप पर काम नहीं करना पड़ेगा सब पहली चीज़ जो आपने राइटली राइटफुली कही कि परफेक्ट जाना वो कुछ नहीं होता लेकिन लोग परफेक्ट मांगते परफेक्शन चाहते सो so, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यस गुड बेटर बेस्ट होते हैं तो आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट होते हैं बट अपने अंदर देखते हैं बी द राइट पर्सन इन द मैरिज इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द अदर पर्सन दूसरे इंसान को जब आप इतनी लंबी चेकलिस्ट लेके जाएंगे ना कि जी इसमें तो यूँ नहीं है इसमें तो ये नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, जो आप ढूंढते और आपको नहीं मिलती इस पूरे मामले में आप ये भूल जाते हैं कि उस शख्स में जो मौजूद है ऑलरेडी आप उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेजिंग वॉट द अदर पर्सन हैज एंड लुकिंग फॉर समथिंग दैट यू वॉन्ट इन दैट पर्सन जो आपको चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी लिस्ट हो सकती है बट वो वो चीज़ें आपके अंदर है आपको लॉयल्टी चाहिए क्या आप उतने लॉयल हैं आपको ऑनेस्टी चाहिए क्या आप भी उतना सच बोल सकते हैं जितनी ऑनेस्टी आपको चाहिए क्या आपको मज़ीद जैसे होता है ना जैसे मैं तो प्री मेटल कोचिंग इसलिए भी करवाती हूँ और शुक्र है कि बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि टू स्टार्ट द मैरिज ऑन द राइट स्टेप वो एटलीस्ट इंक्वायर तो करें कि कैसे है क्या है कौन गाइड कर सकता है सो so, बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं अब पढ़ रही हूँ फिर से मैं एक कोर्स में इनरोल्ड हूँ मैं गॉटमैन uh, लीडर बन रही हूँ उसके थ्रू भी मैं प्री मैरिटल जो कोचिंग है उसमें भी मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकूँगी और कपल कोचिंग में भी मज़ीद एक्सरसाइजेज ऐड कर सकूँगी जो कि एक्चुअली लोगों को अपने करीब भी दूसरे को करीब लाती है पहली दफ़ा में आप किसी को मिले तो आप एक फॉल्स पर्सोना फेक इम्प्रेशन हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर जाते तो कैसे ऑथेंटिक रहना है ऑथेंटिक रहने के लिए आपको अपने आप को जानना ज़रूरी है राइट के ओके सो हेयर आई एम आई वॉन्ट टू मीट यू बिकॉज यू नो पहले मुलाकात में अब आप क्यों मिल रहे हैं उनसे आपका पर्पस क्या है इस मीटिंग का तो आप अपनी मीटिंग का पर्पस तय कर लें कि मैंने इनसे शादी करने के लिए इनकोमेंट ढूँढाया अब प्री मेरिटल को कोचिंग बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है अवेयरनेस कम है आमतौर से क्या होता है फान ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है आप बताएं शादी करवाने का ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है उसमें क्या देखा जाता है, है, लड़का है या नहीं सब सब पहले? और लड़की गोल रोटी लड़की बना सकते और लड़की की हाइट क्या है, थैंक क्या है थैंक रंग कैसा है रख रखाव कैसा है लोग बाथरूम जाके चेक करते हैं रख रखाव कैसा नॉवल

हाइट कितनी रंग कैसा तस्वीर लगाई भी है तो अगर लड़की है तो ब्लर की भी है तो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे as well हाँ, मोटी मोटी चीजें ठीक है इट डज नॉट रियली टेल हु यू आर वो ये नहीं बता पाता इतनी मुख्तसर सी बात वो सिर्फ ये होता है कि वो अच्छा क्लिक किया या नहीं किया विजुअली या पढ़ के आपको समझ में आया इनसे बात करनी है चलो मैं कहती हूँ सही है ये भी सही है बट इन पर्सन मीटिंग हमेशा बेहतर होती है इन पर्सन मीटिंग कब गड़बड़ हो जाती है जब रिश्ता आंटी टाइप बातें होने लगे नॉट टू ऑफेंड एनी रिश्ता इज देयर बट ट्रेडिशनल मेथड में ये खुतन घर वालों से पैसे भी ले रही होती हैं जब रिश्ता हो जाता है तो कमीशन भी ले रही होती है दोनों पार्टी से भी ले रही होती है ठीक है, है? हाँ और इनका तरीका क्या होता है इनका तरीका वही होता है कि भाई इसमें ये है इसमें वो है इनकी ये डिमांड है उनकी ये डिमांड है और हमने आपको था, ये सुपरफिशियल हो रहा है 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 तरीका होता वाकई सही बात ठीक ना अब आप खुद ही सोचे इसमें कहीं ये बात निकल के नहीं आती कि जी पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आइंदा को क्या इन्होंने परस्यू करना है लड़की है तो क्या काम करना चाहेंगी लड़का है तो काम करना चाहेंगे या नहीं ठीक है कई ऐसी चीजें लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हैं कि सम मेजर डिसीजन इफ इट्स सम मेजर डिसीजन और ये तो चले अरेंज का साउंड ऐसे लग रहा है ना जैसे मैं सिर्फ अरेंज की बात कर रही हूँ भाई लव मैरिज में भी जब घर पे बात होती है तो बड़ों से बात होती है ये बात नहीं होती कि जी मुझे पसंद मैं शादी करने जा रहा हूँ ये बात होती है कि इनके घर रिश्ता भेज दें इन लोगों को चल के देख लें और अगर माँ बाप को समझ नहीं आता तो टर्न डाउन हो जाता है माँ बाप को क्या समझ नहीं आता अपने पैरामीटर्स देख रहे होते हैं वो उनके भी तो वही प्रोफाइल का तरीका है ना ठीक है आज इसके पास काम नहीं है लेकिन वो लड़के का पोटेंशियल नहीं देखते ठीक है।, है आज आज लड़की जो है वो कह रहे हैं उसके घर वाले कि इसको रोटी नहीं बनाना आती लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि कल को ये काम छोड़ के घर पर गोल रोटी बनाना सीखे ठीक है क्यों क्योंकि इसको वो जो चीज़ नहीं आती ना वही उससे करवानी है पता नहीं क्यों ठीक है लोग वीकनेस को हाईलाइट करते हैं ना स्ट्रेंथ को हाईलाइट नहीं करते सुनानी में पेपर कैसर नहीं छोड़ते तो इससे क्या आते हैं की होती है हम बात कर रहे थे मिथ की ना परफेक्ट दो लोगों के बीच में परफेक्शन तो नहीं आती लेकिन रिपेयर वर्क हर वक्त हो सकता है बिल्कुल ऐसे ठीक है मैंने अभी रिसेंटली सीखा अपने कोर्स में कि सिक्सटी परसेंट प्रॉब्लम्स परपेचुअल प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि वो कभी सॉल्व ना होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं

ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्टेंस फॉरन आ जाए ना तो आप पहले अपने आप को देखते हैं आप अनलर्न करते हैं वो चीज़ें जिनकी बेसिस पे आप यू नो हिचक जा रहे होते हैं और सोच रहे हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है फॉर रिजेक्ट किया ब्लॉक डिलीट जो तरीका है ठीक है तो आपको अनलर्न करना होता है कि मैंने इसे जज नहीं करना मैंने इसकी स्ट्रेंथ्स पता करनी है फिर चाहे लड़का और लड़की हो दोनों आपस में एक दूसरे को गेज कर सकते हैं लेकिन कैसे गेज करेंगे सो so मैं सबसे पहले तो सिखाती हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपना इंट्रोडक्शन आप अपने इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कुछ इन्फॉमेशन देते हैं और आप फिर दूसरे से भी तो इंट्रोडक्शन देते आपका इंट्रोडक्शन आपकी पोस्ट नहीं होता सही है आपके पास जो गाड़ी खड़ी है वो नहीं होता आपके अम्बा का अगर बंगला है तो वो नहीं होता जहेज में आप क्या लाएंगे वो नहीं होता इंट्रोडक्शन ये होता है कि मेरे क्या इंटरेस्ट हैं hmm. आज से पाँच साल बाद मैं अपने आप कहाँ देख रहा हूँ या देख रही हूँ क्या मैं इस मुल्क में हूँ नहीं हूँ मेरी क्या एस्परेशन है मेरी क्या होप्स है मैं अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहता हूँ क्या ये आपको मैच कर लग रहा, रहा है आए बात बढ़ाए समझ रहे हैं तो ये वो चीजें हैं जो जरा गहरी और बाइनी है ठीक है आम, यही मेहनत ना बाद में भी करनी होती है क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फाइनेंशियल महज एक आस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगी ये डिस्कस होना चाहिए पहले ताकि बाद में इसमें कोई रुकावट नहीं आए और दोनों को पता हो कि हमने तैयारी कैसे करनी है क्या मैंने इनको सपोर्ट करना है क्या इन्होंने मुझे सपोर्ट करना है वो सपोर्ट कितना करना है ये खातून अगर कमा रही हैं तो वो घर पे कुछ दे रही है यह सिर्फ अपने आप का कुछ कर रही हैं और अगर, अगर अपना कुछ कर रही हैं तो क्या वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं करूँगा अगर तो एक्सपेक्ट कर रही हैं तो मैं कितना करूँगा और अगर एक्सपेक्ट नहीं करी तो कल को वो मुझे वेपनाइज तो नहीं करेंगी इस बात को कि इन्होंने तो मेरा कभी कुछ किया ही नहीं समझ रहे तो ये कई चीज़ें जो लिख के तय करनी होती हैं कि यार मुझे क्या चाहिए आपको क्या चाहिए ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका दिल कर रहा है हाँ ठीक है मुझे इनकी बाकी चीज़ मतलब मुझे अट्रैक्शन भी फील हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इनसे बात करना भी अच्छा लग रहा है अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इन बातों में भी थोड़ी सी एडवांसमेंट होनी चाहिए और ये एक्सप्लोरेशन बाद में भी चलती रहती है ये तब भी चलेगी जब आप यू uh, नो you know, शादी के बाद इन लॉस की जिम्मेदारियां भी यू नो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी कितनी अलाउड इंटरफेरेंस है उसमें हमें आपस में कितनी मेहनत की जरूरत है न मेहनत क्या होती है फाद एक कपल के लिए मेहनत क्या होती है क्या मेहनत करनी होती है एक कपल को एक दूसरे को समझ के उसके मुताबिक अपने आप को ढालना और अपने रिलेशनशिप को चलाते रहना या मतलब मीनिंगफुल वेज में चलाना कॉम्प्रोमाइज ना करना ऐसा ना हो कि कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ जाए आप लोग थैंक यू बेटा कॉम्प्रोमाइज क्या बुरा होता है अगर वो आपके रिलेशनशिप को ग्रो कर रहा है तो बुरा नहीं है yes, कौन ये डिसाइड करेगा कि वो रिलेशनशिप को सर्व कर रहा है ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे इट हैज टू बी अ विन विन जैसे अभी आ, एक कुछ दिन पहले यासर भाई से मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी इसी मामले में पॉडकास्ट में हो सकता है ऑडियंस के लिए वो रिपीट हो जाए बात तो मैंने उनसे एक दोस्त का जिक्र किया था जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था okay. सही है। और जिस बंदी से वो इन्वॉल्व थे उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था बंदा ये कहता है कि जब मुझसे बात उनकी हुई थी तो वो मुझसे कहता था फात भाई अक्सर हुआ ऐसा कि कुछ अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे मैंने बेगम को प्रोग्राम किया था कि यार ये ये सारे ग्राउंड रूल्स तय किए लेकिन कुछ अरसे बाद मैं ग्रो कर गया मैंने कुछ लोगों से मिलना शुरू किया कुछ चीज़ें देखी तो मैं मेरी जहनीत चेंज हो गई लेकिन वो बंदी वहीं की वहीं रही और हमारे दरमियान गैप बढ़ता चला गया क्योंकि काम नहीं हुआ वो काम नहीं किया दूसरी चीज़ उसने मुझे बड़ी एक बड़ी दर्दनाक बात बताई थी कि हम एक लॉन्ग ड्राइव पर थे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक डेढ़ घंटे का रास्ता था जब हम जा रहे थे मेरी बेगम ने उससे बात नहीं की हमारी कोई कानवर्सेशन नहीं हुई आपसी में हम कुछ रिश्तेदारों को बिठा के वापस ला रहे थे तो वो डेढ़ घंटे बहुत बातें हुई हैं उन लोगों की आपस में उस समय मैं भी सिर्फ सुन ही रहा था तो मुझे अफसोस हुआ कि यार मैं भी तो था जब हम जा रहे थे तो उससे क्यों कानवर्सेशन नहीं हुई क्योंकि वो गैप बढ़ता चला गया बंदा खुद कह रहा है कि यार अब मैं ग्रो कर गया अब मेरी सोच वो नहीं है तो ये वाली ये वो वाला काम है कि आप जब ग्रो कर रहे थे तो आपने बेगम को ग्रो क्यों नहीं किया किसकी जिम्मेदारी होगी कपल का कपल की 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 ग्रोथ उनकी आपस आपस जिम्मेदारी दूसरी बात ये कि उसने मुझे ये भी कहा कि गलती मेरी है क्योंकि शुरू में मैंने उसको कह दिया था कि देखो ये चीजें ये चीजें अपनी तरफ से हिलनी नहीं चाहिए अच्छा सो और उसने भी तो ठीक हाँ, होते हैं ना बिल्कुल और उसने उसको कह दिया कि हाँ यार जैसा आपने कहा वैसा कर दिया अब मैंने उससे ये कहा कि देखो अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा तुमने कहा वैसा वो कर रही थी

वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं वक्त के साथ लोगों के साथ हादसा होते हैं धोखे होते हैं तो उनसे भी उनकी पर्सनैलिटी शेप हो रही होती है सो so, वक्त लोग कहते हैं ना वक्त हील करता है नहीं आपको उसी वक्त में मेहनत करनी होती है और वो मेहनत असल ये होती है टू ग्रो विद ईच अदर एक दूसरे के साथ दोस्त बन दोस्त बनना एक दूसरे को अंदर से जानना एक दूसरे के साथ डीपर इमोशनल कनेक्शन रखना एक दूसरे के दुख को समझना बेशक आप अजाला नहीं कर सके लेकिन कम अज कम दुख में उनके साथ उठना बैठना खड़े होना के हाँ जी मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इंशाने से निकलेंगे वी आर गोइंग थ्रू दिस वी विल कम आउट ऑफ दिस अच्छा इनफॉर्म्ड रखना बड़ा जरूरी है रखने का क्या मतलब है रखने का क्या मतलब है इनफॉर्म रखने का मतलब यह है कि जब जब आपके लाइफ में गोल्स चेंज हो रहे हों जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब नाइन टू फाइव को खैर बात करना शुरू किया था तो बेगम को अलाइन करना शुरू कर दिया था yes. सही है और फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम बेगम ने मेरी टूनिंग की कि चंदा आप बोल रहे हो सैलरी आएगी नहीं जिस तरह के खर्चे आप कर रहे हो तो ये अलाइनमेंट एक दूसरे की हम लोगों ने की तो वो इनफॉर्म डिसीजन कि अगर आप ये कर रहे हो तो यू शुड बी इनफॉर्म के क्यों कर रहे हो बिल्कुल सही बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए इसका ये मतलब नहीं कि कोई इम है ग्रोथ के फेजेस होते हैं ना इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्परफेक्ट हो गई और अब आपने वहाँ से दरवाजा बन के और दूसरा दरवाजा ढूंढना शुरू किया सबसे बड़ा मसला तो यही है कि दूसरे दरवाजे पे आप ये सोच रहे हो यहाँ लाइफ सेट हो जाएगी और वहाँ अलाइनमेंट वगैरह शुरू कर दी यहाँ मेहनत करने के बजाय मेहनत हो रही है डायरेक्शन चेंज हो गया डायरेक्शन हो गया ये ठीक है सो जो मेहनत आप उधर कर रहे हो एक नेचुरल अट्रैक्शन बढ़ रही है देखिए तो सबको अच्छी लगती है सबको अच्छी लगती है बिल्कुल आज आप किसी और जिसको आप नहीं दे रहे उसको भी कहीं से मिल जाएगी सही बात ठीक है क्या ये नहीं है कि लोगों को अनहेल्दी तरीकों के बजाय हेल्दी तरीके करीब आने के सिखाई जाए मैं फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही मैं मेंटल में और इमोशनल अलाइनमेंट की बात कर रही ठीक है कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे हम हमेशा इसी बात पर आ जाते हैं कि जी लोग अभी तक रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं करते और कई मिथ्स भी हैं अगेन आप ही के टॉपिक में इसमें एक और मिथ ये भी है कि अभी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही कोई ना कोई कहेगा बच्चा पैदा कर लो है कि नहीं थिंकिंग ये मिथ है थिंकिंग कि बच्चे की वजह से हस्बैंड वाइफ जुड़ जाएंगे आ जाएंगे <laughs> आपको पता है गॉटमेंट इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च की है उसकी लिहाज से खैर वो तो यू एस बेस्ड हैं तो उनकी वहाँ की रिसर्च है बट ऐसा बहुत दफ़ा होता है सत्तर फ़ीसद कपल्स बच्चे की वजह से उनकी रिलेशनशिप स्ट्रेन में आती है तीस फ़ीसद कपल्स की रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है मतलब सत्तर फ़ीसद और बिगड़ जाती है सत्तर फ़ीसद डिटोड्रेट होने लगता है जिसको संभालने की ज़रूरत होती है उस वक्त उन दोनों को uh, खाली बच्चे कहीं नहीं अपने आप पे भी तो देनी होती है और जिनकी इम्प्रूव हो रही होती है वो कोपरेंटिंग और यू नो you know, दे वो इन्जॉय कर रहे होते हैं बेबी को या उनकी फैमिली इंजॉय कर रही होती है बेबी के साथ कोहेजन कोहेजन आ आ जाती जाती है है तो उनकी अलाइनमेंट बेहतर हो जाती है और यहाँ को सेवेंटी परसेंट में उल्टा होता है क्योंकि पहले तो दो सफ़र कर रहे थे लोग अब तीसरा बंदा भी आ जाता है सफ़र करने के लिए में बच्चा भी सफ़र कर रहा होता है हाँ ऐसा है तो क्योंकि हमारे यहाँ माओ का दर्जा बहुत ज़्यादा है बेबी बेबी के मुकाबले में न तो जब वो माँ बनती है तो वो माँ के रोल में फिक्सेट हो जाती है वो भूल जाती है कि वो हस्बैंड के लिए एक लवर भी है ठीक है आ, शायद लोगों को अच्छा भी ना लगे सुनना आ, लोगों को तो पता पता नहीं क्या क्या नहीं अच्छा लगता लेकिन, लेकिन अंदर से उनको, उनको पता है कि ये, ये बात सही है जरूरी है बताना है है। कि आपका जिस शख्स की वजह से एक आपका रहा है सारी मेहनत वहां होनी चाहिए अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि जी Uh, हमने तो बहुत मेहनत की भाई किसके मशवरे पे की क्या स्टेप्स लिए अम्मा अब के मशवरे पे की बहन भाइयों के मशवरे पे की दोस्त यार के मशवरे पे की उन दोस्त उन लोगों की अपनी सिचुएशन क्या की सही बात कॉन्फ्लिक्ट के स्टाइल्स मैंने मेरे ख्याल एक दफ़ा आपसे पहले भी बात की थी वेपन्स जो होती थे सो कॉन्फ्लिक्ट के स्टाइल्स जो हैं ये आम घर से सीखते हैं अपने गिरदोनवाज़ से सीखते हैं जब हम बड़े हो रहे है Uh, एक दफ़ा मैंने uh, स्टोरी में पोस्ट भी किया था कि भाई आज रिफ्लेक्ट करें आपके घर में जब फड्डा होता था माँ बाप का मदर एंड फादर तो वो रिज़ोल्व कैसे करते थे क्योंकि उनका जो स्टाइल था कॉन्फ्लिक्ट कौन, को रिज़ोल्व करने का वो आपके स्टाइल में रिफ्लेक्ट कर सकता है हाँ मेरे स्टाइल में करता है मैं खामोश हो जाता हूँ अम्बा भी खामोश हो जाया करते थे ये <laughs> और खामोश का लफ्ज़ ना स्टोन वॉलिंग को बहुत अंडरवाइन कर देता है या <laughs> आप बड़े प्यार प्यार से खामोश कह के, के निकल लें ठीक है लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है बताना कि बच्चे स्पंजेस होते हैं स्पेशली वो लोग जो ये कह रहे होते हैं ना कि एक जुमला मेरे दिमाग में आ रहा था जो कि मैं आउट लाउड आपके ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि देखिए बच्चे स्पंजेस होते हैं वो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एग्जिबिट होगा चलिए आप कॉन्शियस पेरेंट नहीं थे अगर आज आप एक कॉन्शियस बाशूर एडल्ट हैं तो उस हैबिट को एग्ज़िबिट होने से पहले चेंज कर सकते हैं नुमाया होने से पहले उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और अगर वो नुमा हो गया और वो मयूब है या बुरा समझा जा रहा है या आपकी रिलेशनशिप को वो एटीट्यूड वो बिहेवियर सर्व नहीं कर रहा तो आज आप पहला कदम उठा सकते हैं उसको चेंज करने के लिए लेकिन ऐसे दूसरी चीज़ भी तो आती है वो जो एक और है कि वी वी लव ईच अदर एक्चुअली नो ईच अदर मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम उससे प्यार करते हो या तुम करती हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये भी तो एक मत है भाई आ, वही तो बहुत अच्छा पहले बंद हो गई ना ठीक है तो कैसे पता चलेगा आपके टू को या आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आपके लाइफ पार्टनर को कैसे पता चलेगा कि अब आपको क्या अच्छा लग रहा है जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अगर आप दिन में 20 मिनट से आधा घंटा नहीं निकाल सकते एक हार्ट टू तो हार्ट टॉक के लिए तो आपने किस किन किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया है रिलेशनशिप पे मेहनत तो 15-20 मिनट आधे घंटे का काम है अगर टाइम के लिहाज से देखें बहुत से लोग एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा गाड़ी में खामोश रहते और बहुत से लोग पाँच मिनट में बड़ी गहरी बातें कर जाते ठीक है आपकी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत मैटर करती है सीखना चाहिए क्वालिटी कॉन्वर्सेशन करते कैसे क्या वो बातें हैं जो करने से किसी के अंदर आप झांक सकते हैं क्यों नहीं बहुत दफ़ा लोग मैंने ख़ासतौर पे देखा है जैसे अभी आसर भाई बता रहे थे कि यार जब हम हज पे थे तो वो जो एक टेंट होता था जहाँ पे सारे मर्द जमा हो गए और जहाँ पे खवाीन जमा हो गई फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार यासिर भाई तुमने सही काम किया हुआ कि तुमने आपस में इन्जॉय भी करते रहे तो दोनों में बीवी और ये है वो है तो मैंने कहा वो ये नहीं देख रहे कि कितनी पीछे कितना इसका वर्क रहा है सत्रह बीस पच्चीस साल का हार्ड वर्क है जब कहीं जाके कर यहाँ तक पहुँचे फहद असल हार्ड वर्क हमारा न बहुत बहुत पुराना नहीं है सत्रह साल हुए ना शादी को और uh, uh, मैं भी इसी उसमें फंसी थी ना कि वे पहली प्रायोरिटी हस्बैंड है फिर प्रायोरिटी बच्चे हैं फिर प्रायोरिटी इन लॉज है मतलब मैं अपने, मैं अपने लिए नहीं कुछ कर रही थी ना तो आई हैव गॉन थ्रू दैट साइकिल ऑफ यू नो लाइक बैड मेंटल हेल्थ के बैड पुअर मेंटल वेल वेलबींग कह लीजिए तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बहुत से लोग वहाँ स्टक हो सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई कैन एम्पथाइज विद इट बट आई विल नेवर सिम्पथाइज़ विद इट मैं उनको बेचारा नहीं बोलूँगी क्योंकि दे दे कैन वर्क इट इट हैव द द चॉइस टू मेक हैपन नेक्स्ट जो गुजर गुजर चुका चुका है है वो तो गुज़र चुका है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो लम्हा आने वाला है क्या आप उसमें भी कुछ नहीं करेंगे और आप ये सोचो ना कितना अजीब सी बात है कि अपनी बीवी के साथ हैंड आउट करना या दोस्तों के ना कितना मायूब समझा जाता है हमारे माशरे में ये कौन सा तरीका है डेट पे भी गए तो बेगम के साथ हाँ

एक दूसरे को बताएं कि आज आपके आ, कुछ नया हुआ कुछ अच्छा हुआ वट ब्रॉट यू कम्फर्ट कोई नोटिस की बात आपने तो सबसे पहले उसका हक़ हाँ है जानने का आपके इस का सबसे पहला हक उसका अच्छा जिन लोगों को शेयरिंग की आदत नहीं है वो स्टार्ट कैसे में छोटे छोटे गेम्स हैं ठीक है छोटे छोटे गेम्स हैं पाँच फ़ाइव क्वेश्चन करके अच्छा चलो गेम खेलते हैं हाँ आप पूरी फैमिली बैठ जाओ बच्चे भी हैं उनको भी शामिल कर लो हु नोज मी बेस्ट मेरी बेटी साहिबा बड़ा इन्जॉय करती हैं ये गेम हु नोज मी बेस्ट और वो पाँच सवाल करेंगी और फिर सबको जो है ना वो जवाब देना होगा फिर जो जीतेगा वो भाई वो आइसक्रीम भी खिलाएगा इस तरह इस तरह से आप एक बहुत अच्छा फैमिली गेम एन्वायरमेंट बना सकते हैं वो तो करेंगे ही नहीं उनको तो समझ ही नहीं आएगा एजम्पन्स विल नेवर हेल्प इतमान से बैठ के ये कहें तो कि आपकी ख्वाहिश है ये कि इस ये रिलेशनशिप बेहतर हो आपको पता है ना मैं अपने प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में आ, वीकली लाइव करती हूँ और उसमें जो लोग शामिल होते हैं उनसे उनको मैं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ आधे घंटे में ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है लास्ट um, टाइम हमने बात की थी कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट का मतलब भी मैंने समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये चीज़ आ जाए ना कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ तुम्हें तो ये नहीं आता तुम्हें तो वो नहीं आता तुम तो ऐसे ही हो तुम तो वैसे ही हो या वाइफ ही करना शुरू कर वाइफ करना शुरू कर बिल्कुल तो कंटेम्प्ट लीड्स टू मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रेडिक्टर ऑफ डिवोर्स बिग प्रेडिक्टर ठीक है कंटेम्प्ट के फिर मैंने बताया भी था इस, اس, इसको इसका तोड़ क्या है इसके लिए क्या करना चाहिए ठीक है कहने का मकसद ये कि जब आप ग्रो करना चाहते हैं ना तो आप वो तरीके सीखते हैं जिनसे आप ग्रो करें वरना का पार्ट तो बहुत आसान है अच्छा इसमें मुझे बताएं कि जैसे अभी आपने कहा तो इसमें मैं एक चीज़ पढ़ रहा था अभी कहीं मेरी नजरों से गुजरी थी तो इसमें था कि भाई आप ये जो प्यार जो हो जाता है ना और when you are madly loved, तो वो कभी फेड नहीं होता इसका मतलब तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं ये भी बड़ा अजीब सा अच्छा जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि अक्सर ये लोग मिथ बोलते हैं कि जी ट्रू लव नेवर और स्पार्क कभी ख़त्म नहीं होता तो ये मिथ है आ, स्पार्क खत्म हो सकता है क्यों क्योंकि रियलिटी किक्स इन शादी के बाद आपके अखराज बढ़ते हैं आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं आ, काम यू नो जॉब या बिज़नेस ऊपर नीचे हो सकता है ना ठीक है uh, तो एक्सटर्नल प्रेशर्स बढ़ जाते हैं उस कपल के जिसकी शादी हो गई अब न्यूली वेड में ननीमून पीरियड तक तो एक दूसरे को वो थोड़ा सा अलाउंस देते हैं लेवरेज देते हैं हमदर्दी भी करते हैं एक दूसरे के साथ हाई बेचारा हाई बेचारी ये भी होता है ठीक है फिर और हमदर्द भी तो आ जाते हैं दो लोग के बीच में कोई भी तीसरा हो चाहे वो कितना ही बड़ा खैर हो वो उनको कोई ना कोई ऐसा डायरेक्शन दे जाता है जैसे आदम और हवा के बीच में हो गया था ठीक है सो so, हमें माइंडफुल होना चाहिए कि हम मशवरा किससे कर रहे हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और अगर कोई आपको गाइड कर भी रहा है तो उनके अपने सर्कमस्टांसिस कैसे चल रहे हैं आप उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं क्या ये आ, अच्छा स्टेप होगा या आपके पास बेहतर ऑप्शन है ठीक है आ, मैं ये हरगिज़ भी नहीं कहूँगी कि Uh, हर किसी को जो है ना वो फ़ॉरन ही मेंटल हेल्थ काउंसिल ढूंढ रह चाहिए भाई आप यू नो रिलेशनशिप काउंसलिंग मेंटल हेल्थ काउंसलर का काम नहीं है। मेंटल हेल्थ काउंसलर का काम मेंटल हेल्थ रिलेटेड है ठीक है uh, आपने जो बात की थी ना स्पार्क की स्पार्क uh, का मतलब खाली फिजिकल इंटिमेसी नहीं है स्पार्क ख़त्म होने का मतलब खाली फिजिकल इंटीमेसी नहीं है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी है जब ट्रस्ट नहीं होगा जब अफेक्शन नहीं होगी जब वर्सी या हमदर्दी नहीं होगी रहम नहीं होगा एक रिलेशन में जो कि अल्लाह ने, ने कहा है कुरान में कि हमने मियाँ बीवी के बीच में रहम और रहम और प्यार रखा है तो हमें तो महज़ वो ढूंढना है कि अल्लाह ने अगर एक रिश्ते में जोड़ दिया है हो गई शादी तो उस रिश्ते में बाकी सबकी इंटरफेरेंस के बजाय उस कपल को ख़ुद रहम और अफेक्शन आपस में एंड अफेक्शन टू वर्ड्स वर यूज्ड इन द कुरान कि ये ढूंढना है आपने ये ये बीच में ने और अगर आप तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करते भी हैं तो भाई जैसे अभी मैंने कहा ना कि हमारे माशरे में तो वैसे ही मैं बीवी के बीच में अगर दोस्ती देखी जाए तो दो खड़े हो जाते हैं ये क्या चल रहा है तो अगर उस ही माशरे में जाके आप उन्हीं मेंबर से पूछ रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं या कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है तो कोई तो अच्छी चीज़ बताएंगे आपको उनको तो मौका मिल जाएगा कि दादा हम तो पहले ही कहते थे तुमसे ऐसा हो ही नहीं सकता अच्छा बहुत बहुत से, कर रहे। बहुत से लोग ना बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती आपके रिलेटिव नहीं आपकी इमीजिएट फैमिली आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसको आप क्योंकि उनको आपकी आदत यू नो जो भी बुरी आदतें भी मैं कहूँगी हर का पता चल जाता है ना नज़दीक रहने की वजह से करीब होने की वजह से तो बुरी आदतें तो सब में होती उससे हम बुरे शख्स नहीं बन जाते वो महज एक बुरी आदत होती है जिसको बदला जा सकता है आपको लेकिन वो टाइप किया जाता है इंसान बुरा नहीं होता इंसान का बिहेवियर बुरा हो सकता है हाँ अब बहुत ज्यादा क्योंकि इस तरफ भी बात जाती है कि जी बहुत से लोग तो जानबूझ के इवल करते हैं तो यस ईवल की इंक्लिनेशन होती है उन लोगों की जो बहुत से लोग कहते हैं दीन से दूर है डिफरेंट लोग डिफरेंट फेथ को बिलोंग करते हैं डिफरेंट लोगों का फेथ का प्रैक्टिस करने का तरीका डिफरेंट है बहुत से लोग स्परिचुअली इंक्लाइंड होते हैं बहुत से लोग नहीं होते तो क्या ऐसे रास्ते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जैसे यू नो बहुत से लोग कह देंगे कि हाँ ये तो नमाजी परहेजगार नहीं है मेरा मियाँ तो नमाज़ी परहेजगार है इसलिए ऐसे हो रहा है चले आपने एक वजह दे दी आपने उसके भी तो दिल में डाल दिया अब वो मज़ीद एक वजह हो गई उसने दूरी करने की हाँ इसके बजाय क्यों ना हम वो चीज़ें देखें जो उस पार्क को दोबारा बढ़ाएंगी आप दोनों को वापस नज़दीक लाएंगी वो हेल्दी तरीके जिनसे आप दरगुजर ज़्यादा सीखेंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ कर सकेंगे और इसमें दोनों चीज़ें होती हैं आपका इंटेंशन और आप जिससे मशवरा या काउंसलिंग ले रहे हैं उसकी इंटेंशन फॉर एग्जांपल आपकी इंटेंशन है कि यू वांट टू गेट बैक टू द ट्रैक कि भाई मुझे ये रिलेशनशिप पे काम करना है ये आपकी इंटेंशन हो गई लेकिन अगर आप किसी इन इंटेंटेड बंदे के पास चले गए तो वो भी आपके दिल में बुराई डाल सकता है yeah. तो ये दोनों चीज़ें बड़ी जरूरी है कि एक तो आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए और आप जिसके पास जा रहे हैं But, आपको। आ, आ, आपको मैं पता मैं, मेरे पास अभी कोई आता भी है ना तो मैं उनसे सबसे पहले ना बड़ा ब्लंटली पूछती हूं भाई मैं आपके साथ क्यों वक्त गुजारूं मैं आपकी मदद क्यों करूं व्हाई शुड आई स्पेंड माय एनर्जी एंड टाइम व्हिच इज़ द मोस्ट कमोडिटी विद यू अगर आपने मेहनत नहीं करनी मैं कुछ सिखाऊंगी प्रैक्टिकल टूल्स बाहर बैठ के किए जा सकते ठीक है अगर आपने वो करने नहीं है, तो मैं आपको कोच क्यों करूं? क्योंकि मेरा मकसद तो बड़ा क्लियर है ना मैं इस रिलेशन को बेहतर करने के लिए कर रही हूं। फिर मैं सिर्फ उस उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ जो ट्रूली इन्वेस्टेड हो और ये देखें ये प्रोफेशनलिज्म की पहली निशानी है ये हमेशा है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि सबसे सब पहले देखो कि वो अपना टाइम को कितना ट्रेजर करता है अभी रिसेंटली मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ इज़ अ मतलब एक्सरसाइज़ रिसर्च मतलब नॉलेज भी बहुत सारा काम किया हुआ है उसने और न्यूट्रिशन पर भी, भी काम करता है नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो उसकी पॉडकास्ट देखा कहता है यार मुझसे भी कुछ दिन पहले एक खातून आई और मुझसे कंसल्ट किया मेरी जो भी उन्होंने फ़ी दी थी देखे वो तकरीबन एक दो घंटा उन्होंने मुझे पकाया कौन सी टेक्निक कैसा वर्कआउट प्लान ये होना चाहिए वो होना चाहिए मैंने सारी साइंटिफिक बात कर ली कि भाई ये ये फिर मैंने उनसे आखिर में पूछा आप मुझे बताएं आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्कआउट क्या है तो कहते हैं कि बस कभी हो जाता है कभी नहीं करती कभी ऐसा होता है बोला मैं सर पकड़ के बैठ गया कि शर्ट कोई टाइम मशीन ला दो और मैं मैंने कहा कि मैं मेरा दिल ये चाह रहा है कि आपको फ़ीस वापस कर दूँ

वन साइड तो कुछ नहीं होता होता ये सब बॉलीवुड में है मेरा ना टिपिकल ये <laughs> होता है कि देखो आ, मेरे पास स्लॉट्स कम होते मैं एक हाई एंड कोच हूँ मेरी फीस वाल लिखी हुई मेरी सोशल मीडिया पे मैं इस बात में इस बहस में भी नहीं पढ़ूंगी कि तुम तो निगोशियट करो मेरे साथ ठीक hmm. है क्योंकि मैं देती हूँ फुल वैल्यू मैं आपको वो वो चीजें सिखाऊंगी वो वो जो कि यू नो लाइक इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ठीक है सो अगर मैंने इतनी मेहनत करनी है तो यार आप नहीं करो आपके लिए कर रही हूँ ना मैं आपका अपना इंटरनल ड्राइव कहाँ है आपकी मोटिवेशन कहाँ है फ़ायदा तो आपने उठा रहे है ना बी फिटनेस कोच आई कैन रिलेट यस सही है so, सो मैं तो फायद ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा महीना मेरे पास यू नो लाइक फ्री लोडर्स के अच्छा ये फ्री में ट्रेन करा दें फ्री में ये बता दें या फ्री वर्कशॉप ले लिया क्या और उसके बाद लोग माइंड नहीं बनाते दे डोंट इन्वेस्ट इन द फुल प्रोग्राम जबकि आप फ्री में भी अच्छी खासी वैल्यू दे रही होती हैं आई एव विटनेस दैट बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बता दूं कि फ्री में भी इतनी वैल्यू दे रहे होते हैं जो पेड प्रोग्राम्स में होती हैं लेकिन फिर भी लोग कंसिडर नहीं करते और फ्री प्रोग्राम्स को भी सीरियसली ले रहे होते बहुत तो होतेन अन देर नॉट माई क्लाइंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो वाकई डेडिकेटेड हैं और उनको उनके रिजल्ट मिल रहे हैं रिजल्ट भी वही तय करते हैं मैं नहीं करती वो बताते हैं कि हमें ये चेंज चाहिए हमें यह देखना है हम यू नो लाइक आपने तो स्पार्क की बात की थी ना uh, हम कभी कोई इंटरम्यूट डिटेल्स नहीं शेयर करते ठीक है लेकिन ये ज़रूर होता है कि यार मैं उनको सिखाती हूँ एटीन सेकेंड हाग मैं उनको इस तरह की चीज़ें भी बताती हूँ कि ब्रेन केमिस्ट्री बॉडी केमिस्ट्री कैसे चेंज करेंगे और थोड़े से इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क वेरी फाइन बहुत से बहुत से लोगों की ये भी तो बात होती है ना कि जी ट्रस्ट खत्म हो जाए एक दफा तो दोबारा नहीं बनता तो मेरा भी यकीन है। ऐसी <laughs> बात नहीं। नहीं पता क्यों? इसलिए क्योंकि हमें कंडीशन किया गया है ये बताने के लिए कि एक दफा धोखा हो गया तो आप बस धोखे से डर गए ट्रस्ट हमेशा कभी पहली दफा में पूरा देना ही नहीं होता ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता। ब्लाइंड या प्योर ट्रस्ट चंद गिने चुने लोगों के लिए होता है जो बहुत करीबी होते हैं जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं जान, जान से बढ़ के ट्रस्ट कर सकते हैं हर कोई नहीं, नहीं। आ, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल के जी आपको पता है हमने एक ये पॉडकास्ट करना है और हमें ये पता है कि हमार, हमारे ट्रस्ट का लेवल है ना बिजनेस हमें, में हमें, हमें एक प्रोफेशनल इंटरैक्शन भी कर रहे हैं ना ठीक है ये अलग बात है कि हम कोलीग्स हैं तो हमारी एक इस इस इंटरेक्शन की बेसिस एक फ्रेंडशिप भी है ठीक है और दोनों मेरे मियाँ को हैं। मेरे मियाँ को आपकी बेगम को भी पता है इस इंटरेक्शन का ठीक है और दुनिया इससे मुस्तफीद हो रही है इट इज सर्विंग ऑल दोस्त कितने माशाला सिर्फ आपकी टेन पॉइंट टेन पॉइंट फोर थाउजेंड फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे बेस नंबर को बढ़ाएं प्लीज प्लीजों को शेयर करें प्लीज ठीक है सो कहने का मकसद ये कि इतने लोग अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो हम उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं न ठीक है इस फ्री पॉडकास्ट से भी तो उन्हें फ़ायदा होगा कम होगा फायदा जब वो खाली एक कान से सुनते दूसरे कान से नहीं निकाल देंगे बल्कि चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे इस इस टॉपिक के लिए रिलेशनशिप पे काम करने के लिए वक्त पैसा एनर्जी निकालेंगे और अप्लाई करना शुरू करेंगे अच्छा बहुत से चीज में ये भी होता है कि जी मेरे मेरी वाइफ को ज़रूरत है या मेरे हस्बैंड को ज़रूरत है आपने कैसे भाई कर गाड़ी आप दोनों ने चलानी है ठीक है हाँ ठीक है एक ड्राइवर हो तो गाड़ी तब भी चल जाती है हाँ लेकिन अगर दो ड्राइवर हो तो गाड़ी में सेकंड सीट पे आप चेंज कर सकते हैं थोड़ी देर आप ईज ले सकते हैं उस गाड़ी में बच्चे भी पीछे बैठे होते हैं वो महज पैसेंजर्स होते हैं वो हर चीज़ विटनेस कर रहे थे उन्होंने कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं आना होता लेकिन वो जो बात हो रही गाड़ी में उससे अगर टारा तो वो भी सफ़र करेंगे टारप क्या क्या चीज़ें कर रही होती हैं कंटेम्प्ट करता है कंपेरिजन करता है जैलीसी हो गई ठीक है एक और मैथ याद आई मैं पूछूँगा जेलसी से <laughs> <laughs> ये भी है कि अच्छा ये ना मुझे अभी रिसेंटली एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी सोशल मीडिया पर एक खातून ने मुझे मैसेज किया मेरी तारीफ़ें की उन्होंने कि आप बड़े अच्छे हैं और आपकी बेगम बड़ी खुश नसीब होंगी ये होगा वो होगा तो मैंने उनको बताया मैंने ऐसा नहीं है मेरी बेगम के अपने चैलेंजेस हैं मैं बहुत हार्ड टू हैंडल आदमी हूँ तो नहीं लेकिन फिर भी नॉर्मल मर्द जैसी चीज़ें नहीं होंगी मैंने कहा हाँ वो आप मुझे नहीं पता आप कैसे कंपेयर कर रही हैं फिर कह रही हैं कि आपकी बेगम बुरा भी नहीं मानती होंगी जब आप किसी और खातून से बात करते होंगे इंटरेक्शन होते होंगे मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, है मस्ता नहीं बोले मैं तो बहुत बुरा मानती हूँ अगर मेरे में यहाँ बात करें हैं मैं बहुत पजेसिव हूँ उनके मामले में अच्छा ठीक है गुड फॉर यू अगर आपको सर्व करता है तो फिर उन्होंने मुझसे दो तीन बातें और कहीं फिर उससे मेरा मेरा नंबर मांगा तो मैंने कहा अभी हो नहीं सकता क्योंकि वो तो हो रही थी हाँ तो मैंने कहा नंबर होता है बोली नहीं आप पर्सनल दे हैं प्रोफेशनल तो आपका बम्बार्ड होता होगा तो मैं आपसे कुछ मतलब आप कुछ रोने रोने हैं तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी अब मैं उनसे ये कहना चाह रहा था कि आप पोजेसिव अपनी मियाँ के बारे में तो ये जो कॉन्वर्सेशन आप मुझसे कर रही हैं गैर मर्द से तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपका मियाँ भी आपके लिए पोजेसि हो सकता है अब ये वो होती खबात बात आप अपने वक्त क्यों देंगे उनके रोने गाने बिल्कुल ऐसे ही और सबसे जो इम्पोटेंट बात है वो ये है ये समझना चाहिए कि अगर वो जेलस हो रही हैं या फिर मुजैसिव हो रही हैं तो ये कोई पॉजिटिव ट्रेट नहीं है जिसको वो तमगल के घूम रही हैं तो बहुत सी खातन या बहुत से मर्द हजरात बाउंड्रीज़ क्रॉस करके कहते हैं कि मैं जेलस सिर्फ इस वजह से हूँ कि मैं इसका भला चाहता हूँ इसलिए मैं जेलस हो रहा हूँ कि किसी और से बात ना करे या मेरा मियाँ किसी और से बात ए, ना करे ये इसी बात में से आपकी बात में से ही मैं मिथ निकाल रही हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज्यादा जेलस होना या ज्यादा ओवर पोजेसिव होना प्यार की निशानी है टूट के प्यार करती है इसलिए ज़्यादा देखिये हमारी आ, एक पॉडकास्ट में पोजेसिव होने पर बात हो चुकी है वैसे तो बट यहाँ में सिर्फ इस मित को बस्ट करने के लिए हाईलाइट कर और एनवी एक नेगेटिव है और ये अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी भी शो करता है अनलेस के वजह दी गई हो वजह दी गई हो का मतलब है कि अगर आप बगैर किसी अब कोई जलसी नहीं है हस्बैंड वाइफ में और अचानक से हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक शादी के बाहर एक ऐसा रिश्ता जोड़ना शुरू करते हैं जहाँ उनकी तोज्जा चली जाती है इमोशनल चीटिंग की तरफ जा रही हूं ठीक है उसकी उस इमोशनल चीटिंग की वजह से वो ख़ातून शक्की कह आने लगती है या उनको वो थाट्स आने लगते हैं या वो हजरत जो भी है विच एवर दस पाउसेस ठीक है अब वजह है वो वजह ख़त्म होनी चाहिए अब एग्जांपल तो यही मुझे नजर आ रही है यहाँ पे कि वो मुझसे क्यों रोने कौन से रोने रोने जा रही हैं और जब उसका पता चलेगा उनके मियाँ को तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी ठीक है और और वो अगेन कहाँ यू नो लाइक मरम पट्टी कहाँ होनी चाहिए और ये मिस फायर हो रहा है ना न किस तरफ जाना चाहिए किससे गाइडेंस लेनी चाहिए आप फिटनेस को, कोचिंग करेंगे ना या आप उनके हस्बैंड से रिलेटेड रोने गाने की कोचिंग करेंगे और सी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिर से आपसे या या भाई से क्योंकि यासर भाई का फाइनेंस का बैकग्राउंड है हम अक्सर बिजनेस की बात करते हैं आपसे रिलेशनशिप ही करता हूँ काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि आपसे रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए मैंने कहा भाई मैं नहीं मैं बात करता हूँ क्योंकि मेरा फोट नहीं है लेकिन मेरा इंटरेस्ट है और हम कॉन्टेंट पार्टनर्स हैं जिनमें हम तीनों ने ये डिफरेंट एरियाज वो किए हैं तो ये सना ये इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप इनके पास जाए तो ये भी डिफ्रेंशियट करना जरूरी है अब वो आपके इंटरेस्ट होंगे तो आप कहीं भी चले जाएंगे असल में लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होते हैं उनको बस एक फ्री इवेंट चाहिए होता है फ्री इवेंट चाहिए होता है बिल्कुल ऐसे ही ठीक है अब वो फ्री इवेंट कोई भी हो सकता है जानने वाला हो सकता है घर वाले हो सकते हैं लंबी लंबी फोन कॉल्स में आप अपने बहन अम्मा बेटियाँ सास बहु सब ये ड्रा, ड्रामा क्रिएट करते हैं ना हाउ जिंदगी अचानक से ना ड्रामे में घुस जाती है और जब आते हैं, आप उससे बाहर आता है इसके, हुआ इसके बजाय देते एक किताब उठा के पढ़ लेस्ट थी? सुन ले हमारी पॉडकास्ट हमारी पॉडकास्ट सुन ले ठीक है तो एटलीस्ट इतना शोर तो आ जाएगा कि यार आज में बैठूं और मैं लिखूं मैं क्या क्या करता हूं या मैं क्या क्या करती हूं और यू you नो know, जो जो जवान नस्ल है इस वक्त जो कि इंटरेक्शन्स चाहती है तो वो जब स्ट्रेंजर से मिले दोस्तों से मिले दोस्तों के दोस्तों से मिले तो अपना कैसे इंप्रेशन बनाना है जो कि झूठ नहीं होगा ऑथेंटिक होगा ऐसे मैग्नेट क्यों नहीं बन रहे कि लोग वाकई आपके ऊपर इस तरह से आएँ जैसे मखियान शायद के छत्ते भी जाती हैं उसका मतलब हरगज भी नेगेटिव उसमें सेक्जुअल उसमें नहीं है कि मतलब हम आपको कोई एंटाइस नहीं कर रहे हैं हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आप में वो ग्रेस आए आप में वो चार आए कि लोग आपसे बात करना चाहे इसमें ना इसमें मुझे समझ में आता है कि बहुत दफ़ा आप लोगों को मेरी बातें ना बड़ी हवाई लगती हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार इनको कुछ ज़्यादा ही आ, पॉजिटिव हैं या कुछ ज़्यादा ही अब जाहिर है मैं मेरा मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोने नहीं रोता अपने अब मेरे रोने मेरे साथ हैं मुझे पता है मेरे क्या चैलेंजेस हैं प्लस आप उस पर काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो यार

ये बिल्कुल वैसे कि जैसे एक खातून को और हस्बैंड को अगर आदत हो गई एक सर्टन इंटरेक्शन की उनकी रिलेशनशिप डायनामिक सेट हो गई है वो उस डायनामिक से निकल ही नहीं, नहीं पाते ठीक है, है? आ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि एक कपल एक अगर उसमें एज डिफ़रेंस ज़्यादा है तो आमतौर से जो बड़ा ज़्यादा है उसकी ज़रा सी अफेक्शन ऐसे होगी जैसे किसी बड़े की छोटे पे होती है तो वो मटर्नल इंस्टिंट भी आ जाएगी पटर्नल इंस्टिंग भी आ जाएगी कह लीजिए कि एक शफकत वो खाली फिर स्पाउस वाला प्यार नहीं रह जाएगा रोमांटिक लव नहीं रह जाएगा उसमें शफकत भी आ जाएगी और उसकी वजह से जो रिटर्न डायनामिक बनेगा वो एक मुझे पेम्पर करो वाला बन जाएगा मुझे तो इस प्यार की आदत होगी मुझे पेम्पर करो अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो उस जिम्मेदारी को जगल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये डायनेमिक्स को चेंज किया जा सकता है बिकॉज ये सब पैटर्न है बट पैटर्नस को चेंज करने से पहले रियलाइजेशन होना और उसके ऊपर काम करने के लिए एग्री होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी ये आपने ये जो बात की ना अभी आ, क्या बात की आपने पटर्नल जो आ जाता है ये देखा है कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि जो खुतन हैं उनका अच्छा एज डिफरेंस है

Uh, well being, किसी एक की भी खराब हो रही है तो देन कौन रिस्पॉन्सबल है इसके लिए अच्छा इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं ना जैसे आपने अभी बीच में जिक्र किया था कि मेरी बेगम को जरूरत है या मेरे हस्बैंड को जरूरत है तो इसमें एरेगेंस नहीं है मतलब एक बंदे को ये लग रहा है क्या मेरे साथ क्या मसला है मसला है इसमें है ना हाँ उसको किस तरह एड्रेस करती हैं आप और उसमें कोई मसला नहीं है आपको पता है एन तो इंडिविजुअल प्रोसेस है

और अगर किसी को पता चल जाए कि मैरिज काउंसलिंग तो गुजर रहे हैं तो शुरू हो जाते हैं कि यार इसका मतलब है कि अच्छा इंटरेस्टिंगली अभी आई रिसेंटली फाउंड आउट इन द दर्टमेन प्रोग्राम जितनी ये मैरिज काउंसलिंग है ये फेल क्यों होती है बिकॉज uh, उसमें कोई एक चीज़ पे वो लोग लूप करते रह जाते हैं वो परपैचुअल प्रॉब्लम्स को अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड होते होता है okay. एक एक्स्ट्रो को आप इंट्रोवर्ट नहीं बना सकते एक इंट्रोवर्ट से आप एक्स्ट्रो वाली चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ता है ठीक है इसी तरह यह तो बहुत बेसिक बात थी इसी तरह से फॉर uh, एग्जांपल एक इंसान है जिसने uh, मैं किसका एग्जांपल दूँ आपको जल्द किसी शख्स का नहीं देती एक uh, इन्हें की रिसर्च बेस्ड बात बताती हूँ एक शख्स है बहुत डेडिकेटेड है उसका करियर उसके लिए टॉप पे है क्या वो फैमिली के लिए सैक्रीफा करेगा या करियर के लिए सैक्रीफा करेगा करियर के लिए करेगा ऑब्वियसली तो वो अपने एंड से जस्टिफाइड होगा ठीक है एक ऐसे शख्स को जो करियर और, इतना करियर ओरिएंटेड हो उसको घर वाले अगर शादी करवा देते तो किसके साथ ज्यादती हो रही है सही ज्यादती दोनों के साथ हो रही है लेकिन हाँ दोनों ने की है जिम्मेदारी किसकी है हाँ की बात जिम्मेदारी दोनों की है लेकिन उसमें यहाँ की इंटरफेरेंस भी स्टार्ट हो जाती है yes. वो गलत होता सो so, सो so, इस इस चीज़ को गलत रास्ते पर ले जाने वाले तो सब हो जाते हैं बट वापस लाने वाले वही दो लोग हैं जिनको ये डिसाइड करना है कि हमने साथ रहना है कि नहीं और साथ रहने के लिए ये भी मिथ है कि जी आ, बच्चों की वजह से आ, साथ रहेंगे तो यू नो लाइक वक्त के साथ हम खुश हो जाएंगे लोगों की चालीस चालीस पैंतालीस पैंतालीस पचास पचास पेंता साल की शादी होती है और वो खुश नहीं होते उस शादी में बट वो ज़माने के लिए और घर वालों के लिए और बच्चों के लिए हम जी अलहदा नहीं हुए अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी हैं जो जलह हुई हैं और उन्होंने कहा था कि इतने ऐसे की शादी के बाद सिर्फ इसलिए कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था ज़िंदगी में बहुत पहले ही और नाम नहीं लेना चाह रहा आप समझ समझे होंगी तो रियलाइज़ हो गया था बहुत पहले कि ये गलत शादी हो गई है लेकिन ये है कि चालीस साल इसलिए गुजार दिए कि बच्चे बड़े हो जाएँ स्टेबल हो जाए फिर उसके बाद मैं अलग हो जाऊँगी देखिए लोगों का थॉट प्रोसेस है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट्स सर स्टेम मैंने क्या कहा कोई इंसान गलत नहीं होता आपके डिसीजन अच्छे या बुरे आपको कोई ना कोई लर्निंग देते तो वो बुरे तो हो ही नहीं सकते अगर आप उससे सीख गए तो ठीक है तो आप 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 कम से कम अच्छे हेड स्पेस में तो हूँ कि आप डिसीजन सही से ले सके मजेदार बात बताओ हम मैं और यासर कार्टीजियन लॉजिक वगैरह बहुत प्रैक्टिस करते हैं इट इज़ द बेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल जब हम वो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कब का पाँच साल पाँच साल से सीखा हुआ आज भी हम डेली रूटीन में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेजर डिसीजंस के लिए माइनर डिसीजंस के लिए जिसमें लगता है कि हाँ जी इस पर हमें दोनों को ब्रेन करने की जरूरत है तो क्यों ये ये कोई लर्नेबल स्किल है ना ये कोई भी सीख सकता है सही बात बट सीखने के लिए क्या करना होगा हिलना होगा <laughs> अपनी जगह से हिलना होगा हाँ और एग्री करना <laughs> होगा ना कि मुझे एफर्ट लगाना है इसमें जब तक आप माइंडफुल नहीं होंगे एग्री नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि जी चले आपके इस ने डिसाइड कर लिया सेपरेट होना डिवोर्स होना और आपके बच्चे भी हैं अब जाहिर है बच्चे सफ़र करते हैं अफसोस होता है बहुत बट उन बच्चों के लिए आप अभी भी माँ बाप हैं आप को पेरेंटिंग कर सकते हैं और उस को पेरेंटिंग में एक दूसरे को बुरा भला कहे बगैर को पेरेंटिंग कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे उसके भी तरीके हैं बटो तरीके सीखने पड़ेंगे ना वही नहीं आएगी जबरदस्त अच्छा मुझे एक लास्ट पॉइंट बताएं आ, उस पर कंक्लूड करते हैं हाउ टू हैंडल द इंटरफेरेंस ऑफ योर लव जिनका आप वाई स्टीम में होल्ड करते हो और जब आपके रिलेशनशिप सफर कर रहे होते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस पे उसको मतलब मैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एलेबरेट करें आप एज पर योर या योर कोचिंग यास के किस तरह उसको हैंडल किया जाए क्योंकि यहाँ पे इमोशनली और साइकोलॉजिकली लोग बड़े दबाव का शिकार होते हैं कि यार अगर ये बोल रहे हैं तो एक्सपीरियंसड है और फिर वो रिलीज़स चीज़ें भी आ जाती हैं कि एहतराम और सुनो इनकी बात फहद सबसे पहली चीज़ खुद ये डिसाइड करना होता है कि मैं किसकी कितनी अलाउ करूँगा बहुत अलाउ की, तो तो की हुई है है तो वो बाउंड्री बनाना भी अपनी जिम्मेदारी होता है और बाउंड्री ना अपने लिए होती है दूसरे के लिए नहीं होती मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मेरी मी अक्सर कहते हैं ना फ्री में मशवरा दी तो डोंट गिव एडवाइस इज नॉट आस्ट नो बडी आस्ट यूर इस तरह नहीं करो तो अब मैं क्या करती हूँ कि मशवरा देने से पहले मैं पूछ लेती हूँ यार हाँ अच्छा ड्यू वॉन्ट माई एडवाइस ऑन दस कन्सेंट ठीक है सो अक्सर लर्व वन बगैर कंसेंट के मशुरा फेंक रहे होता है आप पे आप कैच क्यों कर रहे हो वाई मांगा थोड़ी आपने <laughs> नहीं मांगा है लेकिन आप बोल जाते हैं कि नहीं मिल रहा है हा। हाँ हाँ तो ये बाउंड्री आपको याद दिलाती है कि ओ भाई ये बाउंड्री के पार गया मैंने कैच नहीं करना इसको छक्का चौका लगने दो तो मैं के अंदर मैंने मैंने कैच नहीं करना मेरी बाउंड्री मेरे लिए है आप उनको मना नहीं करोगे उनका दिल नहीं तोड़ना वो अपनी अच्छे इंटेंट की वजह से आपको मशवरा दे रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए दुख कर रहे हैं उनको दुख हो रहा है कि आप किसी चीज से गुजर रहे हो या आपने उनसे शेयर किया है मशवरा मांगा है तो लो लेकिन फिर उस पर अमल भी करो okay. अमल करोगे तो जिम्मेदार आप होगी क्योंकि आपने अमल किया है मशवरा देने वाला नहीं ज़िम्मेदार होगा यू कैन नॉट गिव दिस बैकव यू कैन नॉट ब्लेम स्टॉप ब्लेमिंग पीपल फॉर फॉर यू नो योर डिसजन्स बिकॉज यू सेड यस यू साइंड यू डिड यू नो बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए फायद मैं एक वाइटी ऑफ जेंडर्स को केटर करते ठीक है सो so, ये भी होता है कि जी और मैं आपको पता है सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ को कैटर करती हूँ तो ऐसा भी केसेस आते हैं या इनबॉक्स मैसेज आते हैं कि जी आ, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है वो फिज़िकल इंटमेसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते ओके okay, कब पता चल रहा है मतलब आपको शुरू के कुछ महीनों में अंदाज़ा हो रहा है आपके पास अभी बच्चा नहीं है आप डिसाइड कर सकते हो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस डू यू एक्चुअली नो द पर्सन क्या वो शख्स आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए नहीं चाहिए तो येस दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि खुला में भी क्लोज़ होता है ना कि जी अगर आप फिज़िकली सैटिस्फाइड नहीं है तो आप मांग सकते बट दो बच्चे होने के बाद या नंबर ऑफ़ किड्स होने के बाद कई सालों बाद आपको ये ख्याल आ रहा है कि जी मेरे मियाँ तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते या उनके फ़ोन में कुछ मिल जाते मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ की और इस तरह की आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी मैन जिसके पास ये एक्सेस ना हो या उसने कभी ना कभी इस्तेमाल ना किया हो ठीक है जो लोग नहीं भी आदि हैं वो क्यूरियासिटी में भी देख लेते हैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ मैं ग्रोइंग ठीक है तो ये आपने ज्यूम किया हुआ था कि आपके हस्बैंड के पास ऐसा कुछ पड़ावन नहीं होगा या मिलेगा नहीं ये आपके जमेशन <laughs> है ठीक है और क्या इससे अचानक से आपका पूरा इंप्रे मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब ख़्वीन ये लिखती हैं ना कि जी उनके फ़ोन से ऐसा निकला और मेरी तो काया पलट गई और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इस तरह के शख्स से वो सारा इम्प्रेशन मेरा ख़राब हो गया और उसके नीचे सौ से डेढ़ सौ जो है ना वो मैसेजेस आए हुए होते हैं कि जी वट अ शेम दिन से दूरी फलाना डमकाना नहीं, घर में घुसा लिया है, सबको तुमने अपने इस <laughs> इस तरह की बातें करके और इस एक फाइंड से तुम उसको जानती नहीं हो क्या तुम तुम उसके साथ निभा नहीं रही हो तुम्हें नहीं पता पूछ सकती हो ना कि क्या ऐसा है जो मैं मजीद बेहतर मतलब उसका तुम्हारे अपने रिश्ते से क्या ताल्लुक है वो तो जब तुम्हें तो मालूम नहीं था तो भी साइड में चल ही रहा था ना ठीक है हाँ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो कि उस ध्यान ही ना जाए पूछ लो उससे पूछो ना दुनिया से पूछ रही हो और शेम भी कर चलो अनॉनमस होता ही है ये मैं समझ सकती हूँ हमेशा पोस्ट औरिजिनल पोस्टर जो होता है वो अनॉनमस होता है सो so, अनॉनमस रह के भी अगर आप ये पूछ रही हो तो आप क्या कन्फर्मेशन बायस चाह रही हो आप क्या चाह रही हो रिजेंटमेंट से भर जाओ दिल में कदूर आ जाए मियाँ के लिए अच्छा लड़कियाँ नहीं बनाती कभी उनके फ़ोन में ऐसा क्या पड़ा हुआ है किसको बताती हैं

नहीं, निकाल नहीं उनको uh, निकालना मतलब उनको ये नहीं है कि वो उसको शेम करें, आप इसको वो आप सब, नहीं भाई मैं सिर्फ ये पूछूंगी डू यू वॉन्ट आपको क्या चाहिए आप मुझे बताओगे आपको क्या चाहिए जब वो मिल जाएगा वो आपकी एविडेंस हो जाएगी आपकी कोचिंग कम्प्लीट हो जाएगी इज इन दैट वीबडी शुड डू सेटअप ड्रामा नहीं, ना, नहीं, नहीं है ना ड्रामा नहीं मजा नहीं आएगा मेरा तो यही है आपके साथ जितनी बैठ के टीचिंग्स हैं और जैसे मेरी नॉर्मल लोगों से मिलता जुलता हूँ वो यही है कि दे आर टू एडिक्ट और कुछ नहीं है कि उनको अच्छी बात सुनने की आदत भी खत्म हो गई है वो इतना ज़्यादा ड्रामा है उनकी लाइफ में कि जब तक ये ना हो तो और किसी और को भी कह सीटने में दो मिनट नहीं लगाते वो और यही सारी चगलियाँ और ये इस प्लस मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी होती है कि भाई अपने स्पाउस को लेबल करने से पहले पढ़ लो उस लेबल के बारे में और अगर क्या होता है खाली हाँ पहली नर्ससनी और भी बहुत कुछ सुनने में आ जाता है मेरे तो बट uh, उस लेबल की बारे में ज़रूर तहकीक करो और ख़ुद विक्टम मोड से निकलो देखो कि uh, इस शख्स ये शख्स अगर तुम्हारी ज़िंदगी में चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो ये शख्स अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कल नहीं होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आज जाता हो जाओ और अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूँढो ढूंढने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप यू नो लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप फिरे और हीरा मिल जाएगा आपको नहीं हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ, ना कुछ बुरा होगा आपको ये देखना है कि आपकी किससे जेलिंग हो रही है आपकी किससे अलाइनमेंट हो रही है और उस अलाइनमेंट के लिए ना मैं बहुत से लोगों को बोलती हूँ जैसे कुछ डिवोर्स्ड केसेस अगर मेरे पास आते हैं लाइक दे नाव होते हैं वो प्री मेरिटल कोचिंग प्रोग्राम वाले कि उनकी तलाक हुई भी होती है और अब दे आर नाव ओपन टू अ न्यू पॉसिबिलिटी अ बेटर वन तो उनको अनबर्डन करना होता है कि पुराने वाली मिस्टेक्स रिपीट ना हो ठीक है तो मैं उनको ये भी कहती हूँ कि हर किसी को रिजेक्ट नहीं करो माइंडफुल हो जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है आ, 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 आपका बेडरूम है बाहर लाउंज है ड्राइंग रूम है और फोअर है और घर का दरवाज़ा है गेट है ठीक है अगर कोई दस्तक दे रहा है घंटी बजा रहा है घर आप पहले उसको घर के अंदर बुलाएंगे फोयर में बुलाएंगे ड्राॅइंग रूम में बिठाएंगे, ड्राॅइंग रूम में बिठाने के बाद आप डिसाइड करेंगे लाउंज में लाने का लाइक है कि नहीं बेडरूम की बात तो बहुत बात नहीं रहेगी। सही बात तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज होके माइंडफुल होके अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो क्या तरीका ये सही नहीं होगा एक साहब ने लिखा फाद एक सॉरी आप एक, 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 एक कॉमेंट्स में यहाँ पर ऐड करते जाऊँ कि एक साहब ने लिखा था ना कि जी मेरी और आपकी पोस्ट पर कि फ़ादर्स का काम है ये लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना और आ, मतलब मुझे इनिशली मुझे इस तरह भी महसूस हुआ कि शायद लड़कियों को मेरा ये कहना कि जी तुम खुद अगर थर्टी प्लस हो चुकी हो और अब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लान तान करना शौक गए क्योंकि मेरे पास से आ गया इन बॉक्स महसूसिस कि जी मैं बहुत परेशान आ गई हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे रखना नहीं चाहते और मतलब हालांकि मैं कमा भी रही हूँ घर पर भी दे रही हूँ बट ऐसा हो रहा है मेरे साथ बोझ का एलिमेंट आता है बोझ वाला एलिमेंट बिल्कुल और हमारी सोसाइटी के लोग बोलते हैं भिंडी के, के पैसा खा रहा है और उसमें फिर ये भी, भी, भी आ जाता है कि जी आंटी आई थी वो मुझे सुनागी मेरे वजन पे या मेरे रंग पे या मेरी हाइट पे या जिस पे भी मल्टीपल चीजें जो यू नो लड़कियों के लिए डिसडवाटेज हो जाती है तो मेरा उससे और उस तरह के बच्चियों से ये कहना था कि देखे आर यू विजिबल टू द राइट ऑडियंस क्या आप विजिबल हैं उन लोगों को जिनके साथ आपकी अलाइनमेंट हो सकती है अगर आप पूरा पूरा दिन घर पर या आप अगर एक मखस ऑफिस में जॉब करती हैं तो ऑफिस वालों तक ही आपकी रीच है अपनी रीच को बढ़ाना ज़रूरी है अब मैं ये नहीं कह रही कि आप टेंडर और वो पे इधर उधर उधर स्वाइप करने लग जाओ बट नेटवर्किंग ज़रूर करो मिलो ज़रूर बगैर मिले लोगों से नहीं अंदाजा होगा किससे माइंड मैच हो रहा है जिससे माइंड मैच होता है इमोशनल मैच होता है और थोड़ी सी भी फिजिकल अट्रैक्शन हो थोड़ी सी भी हाँ, no? हाँ इनकेशन फिजि बेमी हो जाती है उसके आगे जब आप मेंटल मैच और इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करते फिर उस वक्त नहीं ख्याल आता कि केमिस्ट्री है होता है मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है इमेजिन अगले बीस हाँ बीस तो मैं कम बोल रही हूँ दो लाख घंटे अगर मैंने किसी के साथ गुजारने तो मैं कितनी ज्यादा तहकीक करूंगी ना? सही बात है, थैंक यू सो मेहनत मेहनत पे हम वापस आते ये सारे मिथ्स के बारे में बताने का मकसद ये था कि बहुत सी इसमें से चीजें सच नहीं है लेकिन वो लोगों का सच है तो वो बोली जाती है लोगों का सच है लोगों का सच सच है, का सच है वो बोली जाती है बिल्कुल ऐसे ठीक है थेके? आपका सच अब वो होंगी ये आपके हाथ में और लोग हमेशा चाहते हैं वो कन्फर्मेशन बायस वाली बात आ जाती है लोग हमेशा चाहते हैं कि यार हम सही उस पर रहें और हम वैलिडेट होते रहें तो वो कभी नहीं चाहेंगे उनका कुफल टूटे और कोई भी आगे उनको बोले नहीं यार ऐसा नहीं होता तो थैंक यू वेरी मच और मुझे तो खैर हर एपिसोड से कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को ज़रूर मिलता है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना होता और <laughs> आई होप के ऑडियंस को भी लगता हो ऐसा और हमारे बहुत छोटी सी ऑडियंस है और बड़ी डेडिकेटेड uh, है माशाल्लाह मतलब तो मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो पूरी पूरी पॉडकास्ट देखते हो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हम रिपीट पे पॉडकास्ट देखते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा करें शेयर ज़्यादा करें शेयर ज़्यादा क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट नीड्स टू बी फेमस और ये स्प्रेड वगैरह लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट निकलता नहीं है आगे और हमारा मकसद ये नहीं हमारा मकसद कोई फेमस होना नहीं है हमारा मकसद ये है कि यार ज़िंदियाँ समझ जाएँ क्योंकि तो ये हम जब बैठते हैं तो हम कोई स्टैटिस्टिक्स रख के नहीं बैठते सामने कि हमें कितनी देर करना है हमारा स्टार्ट कहाँ जाएगा हम कितने आगे पहुँचेंगे रीच क्या होगी हम बस कर जाते हैं ये और वो चीज़ क्लिक कर जाती है तो फिर मज़ा भी आता है फिर अच्छा भी लगता है कि हाँ यार हमने कोई एफर्ट डाली और उसकी रिकग्निशन मिल रही है तो कोशिश ये करें कि आप कुछ अव्वल तो इनमें से अपना हर टॉपिक जो हमने कैच किया है या फिर कवर किया है वो इन इट पूरा पूरा पॉडकास्ट है लेकिन हम चाहेंगे आप लोगों से कि कुछ हमें ऐसा बताएं कि काफी लोगों ने पेरेंटिंग पे दो-तीन बात किया we'll we'll well. तरह तरह तो हम थोड़ा सा और क्वालिटी ऐड कर सकेंगे बाकी बोले हो सकता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच फहद मुझे बहुत मज़ा आता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ले आते जो कि मैं एक्चुअली फर्स्ट हैंड लोगों के साथ डील भी कर रही हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग रिलेट कर सकेंगे और अ, मेरी होप ये होती है कि वाकई लोग दूर जाने के बजाय ना नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे ग्रो टुगेदर नॉट ग्रो अपार्ट चलिए थैंक यू वेरी मच्ज